मृदा स्वास्थ्य, मैं इस वर्ष हर खेत स्वस्थ खेत नामक एक विशेष अभियान चलाने की घोषणा करता हूँ। इस अभियान में मृदा स्वास्थ्य और मृदा की गुणवत्ता के आधार पर फसल चयन की सुविधा उपलब्ध करवाने पर बल दिया जाएगा। ये मृदा स्वास्थ्य को लेकर फसलों के चयन, इनपुट्स और प्रसंस्करण और विपणन के हर स्तर पर समाधान उपलब्ध करवाने का एक प्रयास है। किसानों को मृदा स्वास्थ्य के आधार पर फसलों की बिजाई के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पंजीकृत किसानों द्वारा फसल की बिजाई की विशिष्ट जानकारी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जाएगी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 9.14 लाख किसानों ने पंजीकृत करवाया है। अप्रैल 2021 से प्रत्येक एकड़ के मृदा नमूनों के संरक्षण और जांच का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा। आगामी 3 वर्षों में राज्य के पूरे क्षेत्र को कवर किया जाएगा। किसानों को घर 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 द्वार पर मृदा जांच सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए मंडियों व सरकारी भवनों में 17 नई मोबाइल मृदा जांच प्रयोगशालाएं और 59 मिनी मृदा जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। 14 नई मृदा जांच प्रयोगशालाओं के लिए भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और शेष मृदा जांच प्रयोगशालाओं का कार्य प्रगति पर है। किसानों और विज्ञान के विद्यार्थियों में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के महत्व के संबंध में जागरूकता बढ़ाने, विज्ञान के विद्यार्थियों को मृदा व पानी के नमूनों की जांच तथा उन्हें एक उद्यमी के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने की पहल की गई है। पहले चरण में वर्ष 2020-21 के दौरान मृदा जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु कुल 115 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों का चयन किया गया है। 21-22 के दौरान स्कूलों, कॉलेजों, तकनीकी विश्वविद्यालयों संस्थानों में लगभग 125 मृदा जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इससे एक ओर तो किसानों को लाभ होगा और दूसरी ओर विद्यार्थियों को अर्न वाइल यू लर्न स्कीम के माध्यम से एक अनूठा अवसर मिलेगा। कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में अनिवार्य होगा कि वे क्षेत्रीय गतिविधियों के साथ जुड़ें। क्षारीय लवणीय मृदा के उपचार हेतु योजना में किसानों की भागीदारी के लिए एक नया पोर्टल स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2021-22 में कम से कम 1 लाख एकड़ भूमि सुधार का प्रस्ताव है। कृषि उत्पाद संगठनों की स्थापना FPOs, इसके तंत्र का विस्तार करना सरकार की एक और प्राथमिकता है। सरकार का मार्च 2021 तक 500 किसान उत्पादक संगठन स्थापित करने का लक्ष्य है, जिसके विरुद्ध 486 किसान उत्पादक संगठन बनाए जा चुके हैं और मार्च 2022 तक 1000 किसान उत्पादक संगठन स्थापित किए जाएंगे। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए फसल समूह विकास कार्यक्रम स्थापित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राज्य सरकार ने खरीफ 2020 के एक संशोधित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अधिसूचित की है। राज्य के हर ब्लॉक में बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों को नियुक्त किया गया है। इस योजना के तहत अब तक 13.27 लाख किसानों ने 2,980.74 करोड़ रुपए की बीमा क्लेम राशि का लाभ उठाया है, जबकि खरीफ 2020 के दौरान 9,14,273 किसानों को कवर किया गया था। सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है। अलग अलग किसानों को सब्सिडी पर 10,042 मशीनें प्रदान की गई हैं। 1,345 कस्टम हायरिंग सेंटर खोले गए हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप फसल अवशेष जलाने की घटनाएं 19-20 में 6,364 से कम होकर 20-21 में 5,678 रह गई। इसके अलावा स्थल और अन्य स्थानों पर फसल अवशेष प्रबंधन के लिए व्यापक प्रबंधन योजना तैयार की गई है। इस वर्ष फसल अवशेषों के उपयोग के लिए प्रदेश में पेट्रो मंत्रालय के सहयोग से 100 कंप्रेस्ड बायोगैस तथा बायोमास प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इन बायोगैस और बायोमास संयंत्रों आदि को धान के पुआल की आपूर्ति के लिए कैचमेंट एरिया उपलब्ध करवाने के लिए धान उत्पादक गांव का मानचित्रण भी किया जा रहा है। फसल विविधीकरण और भूजल की किफायती प्रयोग के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई है। तदनुसार 97,000 एकड़ क्षेत्र को धान से अन्य फसलों जैसे कि मक्का, कपास, बाजरा, दालों, सब्जियों, चना और चारा आदि के अधीन लाया गया है। सरकार द्वारा किसानों को प्रोत्साहन के रूप में या धान से अन्य वैकल्पिक फसलों के विविधीकरण के लिए 7,000 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। वर्ष 2021-22 के दौरान धान के अधीन क्षेत्र
2,00,000 एकड़ कम करने का लक्ष्य है। जीरो बजट खेती, कृषि को लाभकारी बनाने और उपभोक्ताओं को ताज़ा और प्रदूषण मुक्त कृषि उत्पाद उपलब्ध करवाने की पहल के रूप में हमारी सरकार जीरो बजट खेती, जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। इस पद्धति में 3 वर्षों में 1,00,000 एकड़ क्षेत्र को कवर किया जाएगा। इन पद्धतियों में गौशालाओं को जोड़ा जाएगा, किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनके प्रोत्साहन के लिए उचित सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इन पद्धतियों से उत्पादित कृषि पैदावार की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए परीक्षण और प्रमाणीकरण के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। किसान मित्र योजना, हमारी सरकार किसान मित्र योजना नाम से एक नई योजना शुरू करने जा रही है। ये योजना 5 एकड़ से कम खेती करने वाले छोटे किसानों के सशक्तिकरण के लिए वित्तीय सेवाएं सुनिश्चित करने एवं उनके आर्थिक प्रबंधन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु हरियाणा सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलों में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को वित्तीय संस्थानों से अच्छा तालमेल करने, वहां से नकदी प्राप्त करने, नकदी निकालने, नकदी जमा कराने, शेष राशि की जानकारी देने, पिन बदलने, नई पिन बनाने, मिनी स्टेटमेंट चेकबुक के लिए अनुरोध, आधार नंबर अपडेशन, ऋण के लिए अनुरोध, मोबाइल नंबर अपडेशन, समस्याओं के पंजीकरण, फीडबैक इत्यादि जैसी विविध सेवाओं के माध्यम से सुविधाएं देना है। इस योजना का मुख्य पहलू है कि इस योजना में बैंकों की साझेदारी से राज्य में 1,000 किसान ATM स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। प्रदेश में 80.67 लाख मेट्रिक टन उत्पादन के साथ बागवानी क्षेत्र बढ़कर 4.7 लाख हेक्टेयर हो गया है। राज्य में 20 बागवानी फसलों के लिए संरक्षित मूल्य प्रदान करने हेतु भावांतर भरपाई योजना और किसानों को मौसम की मार से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना लागू की गई है, जिसमें किसानों को अब 5% के बजाय सिर्फ 2.5% की घटी हुई प्रीमियम राशि देनी होगी। गुणवत्तापूर्वक रोपण सामग्री के लिए किसानों को 1.18 करोड़ संकर वनस्पति पौधे दिए गए हैं। आम, अमरूद, सिट्रस फलों के बागों में सब्सिडी की सीमा 16,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है।